एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाओ बाइक वाले। कैसे हैं, उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। तो सुबह मैंने एक अपना सैरी रूटीन की ब्लॉग बनाया था, वो मैंने अपलोड करना है, अभी एडिट करना है। और आज मैं शेयर करूँगी अपनी जो है वो इफ्तार रूटीन, कि मेरी जो है वो इफ्तार में क्या रूटीन होती है। अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, मैं उठी थी अभी, थोड़ी देर हुई है, नमाज मैंने पढ़ ली है ज़ुहर की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि रमज़ान से पहले हम बिज़ी थे तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी नहीं हो पाई थी। हमने कह रही कि चलो चलते हैं, और उसी अंदर सो रहे थे। मैं बाहर खड़ी होकर सनस्क्रीन लगा रही हूँ, मत भूले सनस्क्रीन लगाना, बायोडर्मा की बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। मैं कराची गई थी, लेके भी गई थी और भूल गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रंट टैन जो है ना वो मुझे हो गया। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। तो मैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी है, तो बस एक तो मैं अच्छे से जो है वो लगा लेती हूँ। कमरे के अंदर मेरा कैचर पड़ा है, वो पकड़ा देना। अंदर मेरा कैचर पड़ा है ना, मुझे वो पकड़ा देना। तो बस कैचर लगाते हैं हम लोग, दुपट्टा लेते हैं, मास्क पहनते, कुछ नहीं अम्मी वो कमरे में कहने से। तो चलते हैं बस हम लोग। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये मैंने लिया था बोनंजा से, मम्मा ने मुझे दिया था। मैंने खुद इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है यहाँ पे। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो लाओ मुझे, थैंक यू। तो लेट्स गो गाइस। आई वाज सो बिजी विद सो मैनी स्टफ़, और स्टिल जो है ना वो अभी तक मैंने अपनी वेडिंग की मेहंदी की पिक्चर्स नहीं, मैंने शादी की पिक्चर्स पोस्ट ही नहीं किए। तो अभी मैं अपनी मेहंदी के पिक्चर्स निकालती हूँ, उसे पोस्ट करती हूँ, बाकी सारे इवेंट्स की करती हूँ। मेहंदी बारात वलीमा रिमेनिंग है, तो रमज़ान में मैं ये इंशाल्लाह ताला कवर करूँगी। रूटीन इतनी कोई टफ हुई पड़ी है कि यार बस टाइम ही नहीं मिलता चीज़ें करने का। तो बस आज मैंने सोचा यार सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं पिक्चर्स का, मैं पोस्ट कर दूँ। अभी तक हम लोगों ने किसी को पिक्चर्स दी भी नहीं है, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल ही नहीं जो है ना वो प्रॉपर सेट हो रहा। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो मैं इसको तो करूँ पहले। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए फिर ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी ऐसे कुछ खास नहीं करनी थी, बस फ्राइड फूड ही लेना था हम लोगों ने, फ्राई करने के लिए समोसे रोल वगैरह ये चीज़ें। बाकी ग्रॉसरी तो सारी ऑलमोस्ट हो गई थी, तो यहाँ पे बस मैं वही चीज़ें देख रही थी। और साथ में कमरी को लेके आई थी जो हमारी हेल्पर की बेटी है, तो मैं उनसे कह रही थी कि तुम्हें भी जो जो चीज़ें लेनी है वो तुम ले लो। तो यार रमज़ान में क्या आप अपनी डेली लाइफ में जो है ना वो रूटीन बना लें कि अगर अपने लिए कुछ लें। कि उसने अपनी बास्केट बनाई हुई थी, मैंने अपनी बास्केट बनाई हुई थी, मेरा बस यही सामान था और उसके पास उसकी थी, सारी चीज़ें उसकी थी, उसको जो जो चाहिए था वो हमने दिला दिया था। तो ऐसा नहीं कि रमज़ान में ये रूटीन बनाएं किसी को कुछ दिलाएं, बल्कि हमेशा ही जो है ना वो सबका ख्याल करें अपनी आम रूटीन में भी। चाई साहब हम लोग वापस घर पे, एक खोलो एक खोल, हाँ खोल दो, रख दो इधर निकाल लो। दूसरे वाला नहीं दिया था उसने, नहीं ये वाला दिया था ना, इसकी ये कट कर दे, कैंची पड़ी है ना वो उधर से काट दी। ये हम लोग जब लेके आए एक अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है ले ले। ये जग हो गया हमारा, ये अम्मी को दे किचन में रख दे। ये वाला डब्बा भले बाहर फेंक दे, ये शॉपर एक्स्ट्रा ये दे दो अम्मी को, ये भी किचन में रख दो। फिर इसको ये ना ये फ्रिज वाला सामान है, फ्रिज में रख के आइए, ऊपर वाले खाने में, ऊपर वाले खाने में रख दे, पिघल जाएगा वरना। नहीं ये ऐसे ही होगा, इसको आप रखो पहले, जाओ ये निकालो शॉपर यहाँ से, ये लो ये रख के आओ ऊपर वाले खाने में। फिर ये लो ये जूस भी रखो फ्रिज में, ये वाली केचप भी रखो, ये वाला भी रखो। तुम्हारा सामान रख लिया तुमने सारा, बाहर पड़ा है, चलो सही ले जाना घर। वो वहाँ से मुझे देना मसाले वाली, उसमें मैं ये काली मिर्ची डाल दूँ, मसाले वाला डब्बा दे दो वहाँ से। हम लोग अभी घर आ गए, टाइम 5:30 हो गए और बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी, धूप बहुत ज़्यादा, धूप है गर्मी है। तो आप लोग जब भी बाहर जाएँ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और जितनी हो सकता है किसी की जो है वो मदद करें। अब बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वैसे ही जो है ना इफ्तार का टाइम हो जाना है। तो बस मैं 5 मिनट ऐसे थोड़ा लेटती हूँ, ब्लॉग एक मैंने अपलोड किया है उसको मैं देखूँ, और फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बहुत गर्मी है।
अच्छा जी, तो अभी रोज़ा खुलने में है आधा घंटा, बल्कि 40 मिनट। अम्मी कुरान पाक पढ़ रही, मैं भी 1 से 12 पढ़ लूँ, फिर थोड़ा काम करते हैं। अच्छा जी, तो इबादत करके फिर मैं आ गई थी किचन में अम्मी के साथ, अम्मी की हेल्प करवा रही थी। मैं यहाँ पे टैंक बना रही थी उसके साथ, लस्सी बना रही थी क्योंकि लस्सी मुझे भी बहुत पसंद है, नमक वाली मीठी नहीं पसंद है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, लेकिन लस्सी जो है ना वो 7 से 8 गिलास बनाई थी, बाद में मैंने उसमें पानी ऐड कर लिया था। और फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं साथ साथ मैं कर रही होती हूँ, अम्मी कर रही होती है, तो हम लोग मिल के जी काम कर लेते हैं। और बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे थे कि आपने कहा था डाइट का आप शेयर करेंगी, तो यार मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ साथ साथ आप लोगों के व्लॉग में जो है ना वो अपडेट देती रह रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ क्या कर रही हूँ। तो अभी हमारी हेल्पर आई थी, काफ़ी दिनों बाद आई थी, तो वो पूछ रही थी क्या हाल चाल है कैसी हो, तो बस मैं उसी के साथ मिल रही थी। फिर रायता बनाना था क्योंकि पकौड़े रायते के बिना अच्छे लगते ही नहीं है और मज़ा ही नहीं आता। पुदीने रायते वाला जो मसाला होता है बस उसी के साथ, वसीम का जी था जॉब थी आज, वो आके सो गए थे बस, तो मुझे उन्हें भी उठाना था। मम्मी मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी उठा दो उसको, एक दफ़ा उठाने जाओ ना उसने नहीं उठना होता, उसको तकरीबन हमें 7 से 8 दफ़ा उठाना पड़ता है, फिर वो कहीं जाके उठते हैं, एक दफ़ा उठाने पे कभी भी नहीं उठते हैं वो। तो मम्मी मुझे कह ही रही थी कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो उठा लो, तो मैंने कहा जी जी बस मैं ये थोड़ा सा काम समेट लूँ फिर मैं उन्हें उठा लूँगी। लेकिन वही कि उनको उठाते उठाते ही हमें काफ़ी देर हो गई, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने कहा हाँ अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। तो बस अब मैं सारा सामान जो है ना वो डाइनिंग पे पहुँचा रही हूँ। तो मेन्यू में हमारे पास था जी खरबूजा था, और उसके अलावा चाट बनाई हुई थी, और ये था टैंग था, उसके अलावा जूस था, और सबसे हसीन खूबसूरत चीज़ वाटरमेलन तरबूज मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, और वसीम को जी पकोड़े बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तरबूज बहुत पसंद है, मुझे सबसे अच्छा इफ्तार में तरबूज ही लगता है। उसके अलावा मम्मी फ्राई वगैरह कर रही थी और मैं जल्दी जल्दी से जो डाइनिंग है वो सेट कर रही थी। समोसे कम समोसियाँ ज़्यादा लग रही है इतनी छोटी छोटी। और ये है हमारा आज का मेन्यू। चलो जी 5 मिनट रह गए, बैठो दुआ मांगे। तो जी बस यहाँ पे इफ्तार माशाल्लाह से हो गई थी, अल्लाह पाक सबको रोज़े कबूल फरमाए आमीन। और वसीम साहब यहाँ पे लस्सी पर लस्सी पी रहे थे, और मैंने इन्हें कहा कि चलो मैं ला देती हूँ बॉल उसमें खा लेने, कह रहे बस नहीं मैं टेस्ट कर रहा हूँ चाट, मैं रात में ही खाऊँगा। हमारे में से कि रात का खाना खाते ही नहीं, फिर रात में चाट और इस तरीके से अगर कुछ बना हो तो वो खा लेते हैं। और यहाँ पर सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं भी बस नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। अब्बू अपने रूम में पढ़ रहे थे, अम्मी बाहर हॉल में पढ़ रही थी, यहाँ पर वसीम रूम में पढ़ रहे थे, तो बस अभी मैं भी जी नमाज़ पढ़ती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, रोज़ा इफ्तार वगैरह हो गया, ठीक है मैं जल्दी से अपना काम करने लगी हूँ। मुझे एनी हाउ आज जो है वो पोस्ट करनी है मेहंदी की, या मैंने फोल्डर बना दिया है, चलते हैं हम इसमें। और ये आ गया हमारा मेहंदी, ये आ गया पोर्ट्रेट, ये आ गई मेरी पिक्चर्स, कुछ एडिटेड है कुछ नहीं है, वो USB में निकालती हूँ पहले, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं पोस्टिंग स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत लेट कर दी है तो मैं मज़ीद कोई लेजीनेस नहीं चाहती। खुल जा भाई, एक तो ये इतनी देर लगाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर बहुत अच्छी आई है, बहुत प्यारी आई है, लेकिन ना पता नहीं क्यों यहाँ पर सही सारी मेरी शादी की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी सैनामेटिक सारा कुछ जो है वो स्नैपन्स वालों ने किया है। तो बस मैं आगे करती हूँ, चल भाई खुल जा। तो बस मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट करती हूँ, 8 to 9 पिक्चर्स जो मैंने पोस्ट करनी है। मेहंदी की सारी पिक्चर्स बड़ी प्यारी आई हैं, तो समझ नहीं आ रहा कौन सी पोस्ट करूँ, ये आउटडोर शूट की है। मैं आपको हॉल वाली दिखाती हूँ, मेरी और वसीम की बहुत कम होंगी वो, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना, बाहर हमारा शूट हो गया था। ये हॉल में हमारा शूट जब हुआ था, जब सारी लाइट्स बंद हो गई थी, और बस फिर मैंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारा कोई शूट नहीं हुआ, बराए मेहरबानी शूट कर दे। इसमें 1-2 पिक्चर्स अच्छी आई हैं जो मुझे पोस्ट के लिए चाहिए थी, तो बस मैं इसमें से सेलेक्ट करती हूँ फिर मैं पोस्ट करती हूँ। अच्छा जी, तो डेली ऐसे कोई ना कोई काम पेंडिंग होता ही रहता है, डले होते रहता है। आज हमारा पूरा मूड था, मैंने कहा कि चलो मुझे पिक्चर्स ना अपलोड करनी है और मैं नहीं हाँ ना आज 9 बजे तक कर लूँगी, लेकिन वही करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया। व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 1 ही बज गया, तो फिर गेस्ट आ गए थे कुछ, तो और हम सब लोग मेरे ही रूम में बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, गेस्ट आए तो फिर मैं अपना काम जो है ना वो दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। बस जब से शादी हुई ना रूटीन जो है ना वो प्रॉपर लाइन में आई नहीं रही, कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता है
जब हम फ्री होते हैं तो कोई काम आ जाता है, जब कोई काम करना होता है तो हम बिज़ी हो जाते हैं, तो बस इसी तरीके से जो है ना वो सब चल रहा है। तो बस अभी जो ये गेस्ट वेस्ट गए थे सारे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से चेयर्स वेयर सब लोग हमारे रूम में बैठे हुए थे, तो बस अभी वो लोग गए, सी ऑफ वगैरह किया उन्हें, मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से थोड़ी सी रूम की सेटिंग कर लूँ। और मैं यहाँ पे वाटरमेलन खा रही थी, वाटरमेलन तरबूज मुझे बहुत ही पसंद है, तो बस अब मैं ये उठाती हूँ बाहर रखती हूँ। गाइस स्टिल जो है वो मैं काम पर लगी हुई हूँ, स्टिल नहीं हो रहा और मुझे भूख लग रही है, सो मैं कुछ खाने को लाऊं। टाइम आप देखें 11:42 हो रहे हैं और अभी तक स्टिल काम है, अभी 7 पिक्चर्स और रिमेनिंग है। नेट इतना स्लो है कि इतना मरमर के सैंड हो रहा है, क्या करें अब। अच्छा जी, आ गया हमारा फूड, ये भी बस सैंड होने वाली है और फिर हम कुरान पाक का 112 पढ़ते हैं, ये सैंड हो जाए तो। आई जस्ट फॉरगेट कि मुझे व्लॉग को एंड भी करना था, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब लोग पूछेंगे ये वेयर इज़ वसीम, तो वसीम थोड़ा काम से बाहर गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के पास और वो शहरी में आएंगे, और मैं बस अभी थोड़ा सा अपना काम वाइंड अप करूँगी, फिर हम थोड़ी सी इबादत करेंगे और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि एक तो बच गया है अभी, फिर दो घंटे बाद हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में बहुत से याद रखिएगा, मैं भी अब सबको याद रखूँगी। बाय बाय, टेक केयर।